फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। मैं सिर्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी गाइस, हमसे बात पहली बात करें गाइस, आज की सीरीज आपको हम बताने वाले हैं गाइस डीडी का अपडेट। जैसे कि सब देख पा रहे हो, ये पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का मिल चुका है। आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन यानी डीडी का, देख पा रहे होगा वो अपने पटना यूनिवर्सिटी में। तो इसी का आपको अपडेट देने वाला आज के इस वीडियो में। इसके लिए आपको आज का वीडियो शो से अंदर जो देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ अभिनव चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपका छुट्टी आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि कितना फी लग रहा है और किस किस कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, और बिकॉज पूरा स्टेज भी बताने वाला हूं। तो सारी डिटेल जानने के लिए आपका आज का वीडियो शो से अंदर जो देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ अभिनव चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस, उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट्स सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी गाइस, सबसे पहले आप कोई जो भी मोबाइल वाइज ब्राउज़र यूज़ करते हैं, मोबाइल ब्राउज़र उसे खोल लीजिए। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं गाइस आपका वेबसाइट देखने को मिल जा रहा है, आपको वेबसाइट देखने को मिल जा रहा है puonline.co.in। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेनी है। देखने का वेबसाइट ये ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद आपके पे 3 डॉट दिख रही है, उसको क्लिक करके आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, जिससे इस डेस्कटॉप इनेबल कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके फ़ोन में जो भी वेबसाइट्स खुलेंगे वो वेबसाइट बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे ही खुलेंगे। जैसे गाइस वेबसाइट खुल चुकी है पटना यूनिवर्सिटी की, जैसे वेबसाइट गाइस आपके वो कंप्यूटर में खुलती बिल्कुल सेम टू सेम वेबसाइट। तो ये वेबसाइट खुलने के बाद गाइस आपको यहाँ पे दिख जा रहा है डिटेल, आप थोड़ा अच्छे से यहाँ पे देखेंगे देख सकते हैं गाइस आपको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में दिख जा रहा है लेटेस्ट अपडेट्स में आपका डीडी एप्लीकेशन एडमिशन लेने के लिए। इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गाइस ये वो ऑफिशियल पेज डिस्टेंस एजुकेशन का पटना यूनिवर्सिटी का गाइस, जिसमें देख सकते हैं पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो गई है जो कि 30 नवंबर तक चलेगी। अभी गाइस बात करें आपको क्या क्या इसमें जानना जरूरी है, आप देख पा रहे हो एडमिशन नोटिस, चलिए आपको एडमिशन नोटिस पढ़ के दिखा देता हूँ इस साल का, जो कि एडमिशन शुरू हो गया है आपके डीडीई में। आगे क्या एडमिशन नोटिस आई है, चलिए उसको देख लेते हैं। देख सकते हैं गाइस नामांकन सूचना आई है कि आप ले सकते हो एडमिशन BCM 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम में, जिसमें BCA है, BA है, देख सकते हैं गाइस, और BCOM में एडमिशन ले सकते हो, और 1 ईयर 2 सेमेस्टर ये है, आपको 1 ईयर PG के डिप्लोमा प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस बात करें ऑल कोर्स फी एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में, चलिए आपको बता दूं। तो इसको चलिए यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, कल डाउनलोड हो गया है, देख सकते हैं DD का कोर्स फाइनल लिस्ट है ये। जैसे बात करें आप पढ़ पढ़ो यहाँ पे कि BCA अगर आपको करना हो जो कि 3 साल का होगा, जिसमें 30 सीट है और चार्जेस लग रहा है, अभी पढ़ पा रहे हो 450+30 रुपये लग रहा है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, +30 रुपये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है, आपको एलिजिबिलिटी यहाँ से पढ़ने को मिल जा रहा है, और एडमिशन फिर फर्स्ट ईयर का क्या लग रहा है आप वो भी यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, आपको गिवन है 10,640 रुपये, एग्जामिनेशन फी 775 रुपये, और अब BA करना चाहो तो सीट्स BA में 2670 है, देख सकते हो 3 साल का कोर्स है, और चार्जेस एप्लीकेशन फी लगेगा 450+30+30 लगेगा, और अगर देख पा रहे हो आपको एडमिशन फी फर्स्ट 1 साल का लगेगा 3,745 रुपये लगेगा, और एग्जामिनेशन फी 515 रुपये लगेगा। उसी तरह का BCOM का भी है, उसी प्रकार का जब पढ़ पा रहे हैं, और भी अदर सब्जेक्ट्स के का ही यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, यहाँ आपको एलिजिबिलिटी पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि कैसे एडमिशन नोटिस और ऑल कोर्स फी एलिजिबिलिटी बता दिया हूँ, और आज अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं अपनी इस DDE में पटना यूनिवर्सिटी में, जिसकी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।